Hello friends, as we are discussing our video series for class 10th level. So today we are going to discuss very interesting topic and very important also for your board examinations. So today I am going to give you only a basic concepts of genetics. So when we are going to study genetics, first we have to study about all the terminologies. So in this video we will discuss all the terminology. First, I want to tell you what is genetics. This is your first question. So, genetics basically is a branch of biology. Basically, you can write here, it is a branch of biology in which we study about heredity and variations. Okay, so it is a branch of biology in which we are going to study about heredity and variation. In single line, you can say study of heredity and variations is known as genetics. And next point is, who is called as father of genetics? So Mendel, Gregor John Mendel, basically Mendel, he was called as father of genetics. Sometimes question will come in 1 marks, like who is called as father of genetics, yeah, what is genetics. Now my first point of second point of discussion is heredity and variation. What is heredity? So we are going to discuss heredity means all the characters which are going to transfer from parents to offspring, or you can say to next generation. So this is known as heredity. And variations, I think you all know, siblings. सिब्लिंग्स का मतलब आप समझते होंगे, जैसे भाई बहन या भाई भाई. तो जो भी, ऑल्दो हम लोग सपोज किसी भी स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट ए है और उसकी सिस्टर बी है और उसके एक ब्रदर और है सी, तीनों के मदर और फादर तो एक ही होंगे, मदर एंड फादर. क्या ये तीनों सिब्लिंग्स एक जैसे दिखाई पड़ेंगे? नहीं. दिस इज ड्यू टू वेरिएशंस. So, siblings of same parents, they look different due to the concept which is called as variations. Variations means vibhinnataen, agar Hindi mein bole isko. Okay, so now we are going to discuss very important topic, that is the terminology. Question will definitely come from here. So, first topic is, in terminology, is gene. So, genes are basically basic structural and functional unit of heredity. Basic structural and functional unit of heredity. Okay. हम लोगों ने बोला कि जो genetics है वो study है, जिसमें हम लोग heredity variation के बारे में पढ़ते हैं. अब बात आती है कि जीन क्या है. जैसे जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल की बनी है, उसी तरह अगर हम लोग जब भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे सबसे छोटी यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बोलेंगे, जीन. तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्कशन का अलील. तो अलील, यू कैन राइट हियर, दीज आर द वर्जन ऑफ जीन, वर्जन ऑफ जीन, और यू कैन राइट एज alternative form of genes are called alleles. Here you can write alternative form of gene. जो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग एलील बोलेंगे. और बेसिकली हम लोग एलील्स को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि एलील्स जो है वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं. तो डोमिनेंट की अगर हम लोग बात करें, तो डोमिनेंट एलील को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट एलील को, और रेसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से. अल्फाबेट हमको सेम लेना है. एक सपोज हमने ए अल्फाबेट यहाँ लिया किसी भी एक करेक्टर के लिए. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे करेक्टर क्या होते हैं, अभी आप इतना समझिए. सपोज मैंने किसी करेक्टर के लिए कोई एक ए ले लिया, तो यहाँ पे कैपिटल अगर हमने सेम अल्फाबेट का लिया तो वो डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमने उसी का स्मॉल अल्फाबेट लिया तो वो उसी करेक्टर का रेसेसिव एलील बता रहा होगा. तो हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे. हमारा जो अगला वीडियो होगा वो मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे ही होगा.
इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, जितने भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन राइट हियर, एंड जेनेटिक मेकअप जो भी जीन किन किन जीन्स का बना है या क्या कौन कौन से एलील्स हैं. और जो फिनोटाइप होता है वो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस यू कैन राइट. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा करेक्टर क्या होता है. करेक्टर मीन्स एनी इनहेरिटेबल फीचर, कोई भी इनहेरिटेबल फीचर जो कि पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है. एनी इनहेरिटेबल फीचर, जैसे कि वो हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर है उनको हम लोग ट्रेट बोल देंगे. जैसे करेक्टर के एग्जाम्पल में आप हाइट लिख सकते हैं, ओके. और हाइट या तो टॉल है या तो डॉर्फ है, ओके. टॉल और डॉर्फ, तो टॉल जो है वो हमारा ट्रेट हो गया और डॉर्फ भी हमारा ट्रेट हो गया. तो टॉल को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कि क्रॉस क्या होते हैं. तो क्रॉस हम लोग कई तरीके से, जब हम लोग दो डिफरेंट अलग अलग करेक्टर्स का क्रॉस करा रहे हैं, सपोज हमने दो डिफरेंट ट्रेट्स का भी क्रॉस कराया जा सकता है. अगर हम लोग एक करेक्टर ले रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड हो गया. सपोज हमने सिर्फ हाइट ली, सपोज हमने हाइट भी ले लिया और शेप भी ले लिया. यहाँ पे सपोज हमने सिर्फ हाइट ली, ठीक है. और डाई हाइब्रिड में, डाई एज द नेम सजेस्ट, टू, वी आर गोइंग टू टेक टू करेक्टर्स. तो हाइट भी लिया यहाँ पे हमने और शेप भी ले लिया, ओके. और ट्राई हाइब्रिड में हमने हाइट ले लिया, शेप ले लिया, कलर भी ले लिया. तो जब हम लोग तीन करेक्टर्स ले रहे हैं तो वो ट्राई हाइब्रिड हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं. तो और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की हम लोग बात करें तो होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब एक जैसा. जब हमारे एक जैसे एलील्स होंगे तो उनको होमोजाइगस बोल देंगे. सपोज हमने डोमिनेंट डोमिनेंट ले लिया या रिसेसिव रिसेसिव ले लिया. और अगर हम लोगों ने सपोज हेट्रोजाइगस की बात करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए मीन्स यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील की बात हो गई. अगला पॉइंट आता है हमारा कि म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप एक लाइन में डेफिनेशन आ सकती है जरूर बोर्ड एग्जाम में, सडन जेनेटिक चेंज एट न्यूक्लियोटाइड लेवल. न्यूक्लियोटाइड भी हम आपको बताएंगे डीएनए को जब हम लोग डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियोटाइड लेवल एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो बना होता है रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन का बेस, फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज या पेंटोज शुगर का. तो उतना डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ म्यूटेशन में सिंगल लाइन में डेफिनेशन आ सकती है. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि म्यूटेशन क्या है, सडन, अचानक से कोई भी जेनेटिक चेंज हो गया है. सपोज हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन. तो हम लोग डीएनए का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होते हैं. तो ये तो हमारी बात हो गई म्यूटेशन की डेफिनेशन लेवल पे. अगला पॉइंट आता है लिंकेज. लिंकेज की बात करें तो लिंकेज एज अ नेम सजेस्ट, लिंकेज का मतलब लिंक्ड है. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ टू और मोर देन टू जीन्स. जब दो या दो से ज्यादा जीन्स एक साथ इनहेरिट होकर जा रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गैमिटोजेनेसिस, जब गैमिट्स बन रहे होते हैं तब दो या दो से ज्यादा जीन जब आपस में लिंक हैं तभी तो वो एक साथ इनहेरिट होकर जा रही हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज. तो यू कैन राइट अ डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर देन टू जीन इनहेरिटेड टूगेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गैमिटोजेनेसिस. तो लिंकेज जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी. जीन के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना कम लिंकेज. भाई लिंकेज मतलब सपोज ये कोई यहाँ पे दो जीन्स हैं ए और बी, इनका जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इनकी लिंकिंग कम होगी. और अगर ये ए है और ये बी है, लिंक है, ये बहुत पास पास है, इसका मतलब इनके जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है. या इनका क्रॉसिंग ओवर के चांस जब बहुत पास है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत कम हो जाएगा. तो लिंकेज जितना ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम. तो आप कह सकते हैं ये लोग ये दो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर रहे हैं. सपोज यहाँ पे हमारा एक ये है
एक इस ये हमारा है सपोज ये कैपिटल ए होमोजाइगस और दूसरे वाले पे हमारा स्मॉल ए ठीक. तो सपोज अगर कैपिटल ए इसके साथ आ रहा है और ये इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं. या क्रॉसिंग ओवर के लिए हम लोग सिंपल कह देते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है. सपोज दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम 1 एंड दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम नंबर 2. तो यहाँ पे जब भी ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, जब भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्रॉसिंग ओवर. रिकॉम्बिनेशन का मतलब जब वो एक नया एक टाइप बना रहे हैं. सपोज कैपिटल ए था, इधर स्मॉल ए था, तो जब ये इनसे रिकॉम्बाइन करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए बन रहा है, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट है. या स्मॉल ए कैपिटल ए, ये एक रिकॉम्बिनेंट है. एक होते हैं पैरेंटल, एक होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स. तो ये डिपेंड करेगा रिकॉम्बिनेंट की उनके पैरेंटल कैसे हैं. पैरेंटल ही डिसाइड करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. और वेरिएशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. वेरिएशंस का मतलब जो भी हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस में. ऑल्दो हमारे पेरेंट्स एक ही, लेकिन हमारे सिबलिंग्स में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो दिस इज द वेरिएशन. तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये हम लोग क्लास 10th लेवल की बात कर रहे हैं. तो डिटेल में जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सिर्फ हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यू कैन से बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स. और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो क्लियर होगा तो ही आप हमारा अगला वीडियो जो मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस होगा, जिसमें हम लोग मेंडल्स के लॉज डिस्कस करेंगे और मेंडल्स लॉज और हम लोग कुछ टाइप के क्रॉसेस भी पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिकली टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस क्या होता है, तो आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फिंग या सेल्फिंग. ओके, तो हम लोग ये सारी चीजें कुछ डिस्कस करेंगे, मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे, वो हमारा अगला वीडियो होगा. तो आई होप कि आप सारे लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जितनी भी तरीके से पढ़ाया जाए वो डिफरेंट तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल सकते हैं. क्योंकि हम लोग 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. और हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमारे बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल पे बहुत इनिशियल स्टेजेस के वीडियोस देख सकते हैं जो कि CSIR लेवल के हैं. और भी BSc MSc के स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं, बेसिक्स जेनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन. और जेनेटिक्स की तो पूरी मैं वीडियो सीरीज भी डाल चुकी हूँ, ऑलरेडी हमारे बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल पे पढ़े हुए हैं. ये वीडियो सीरीज बेसिकली क्लास 10th लेवल के लिए, इसलिए ये सिर्फ बेसिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ पे नहीं जा पाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ इनके सारे वीडियोस. तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें और फ्रेंड्स हम लोग जल्दी ही मिलेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट सून. थैंक यू फ्रेंड्स.